पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक मूड में आ गए हैं। बस किराए में की गई 25% बढ़ोतरी को लेकर जहां निशाना साध रहे हैं, वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर भी सरकार को विफल बताया है। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा उरला स्थित तालघर में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के दौर से गुजर रहे आम जनमानस को राहत पहुंचाने के बजाय जयराम सरकार ने 25% बस किराया बढ़ाकर बोझ में डाला है। 2 साल के भीतर 50% किराए में बढ़ोतरी सरकार कर चुकी है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। सरकार की विफलता की वजह से आज कोरोना प्रदेश में विकराल रूप धारण करता जा रहा है। मंडी जिला में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। सैनिटाइजर और मास्क की खरीद में लाखों रुपए के घोटाले हुए हैं। ऐसी जनविरोधी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी तब तक धरने प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक बस किराए में की गई वृद्धि सरकार वापस नहीं लेती। इससे पहले उन्होंने देवदार का पौधा लगाकर वन महोत्सव का आगाज किया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि वनों का विशेष महत्व है। प्रदेश की हरियाली और सौंदर्यीकरण को निहारने के लिए देशी विदेशी पर्यटक यहां का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि द्रंग कांग्रेस 15 अगस्त तक विभिन्न स्थानों में इस तरह पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। बात है कि द्रंग कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित वन महोत्सव का यहां शुभारंभ हुआ और मुझे खुशी है द्रंग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 150 गड़े यहाँ खोदे हैं। इसमें देवदार और जो है बान के पौधे लगाए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में वनों का कितना महत्व है, ये सभी लोग जानते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटक जो है हिमाचल की खूबसूरती देखने आते हैं, हिमाचल की हरियाली देखने आते हैं, हिमाचल में पर्यटक के रूप में आते हैं। तो आज हम सभी का ये धर्म भी है और फर्ज भी है कि हम हिमाचल प्रदेश की हरियाली को बनाए रखें, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को ठीक रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश में आए। अब की बार दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से यह हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बहुत नुकसान हुआ है, उद्योग को नुकसान हुआ है, हमारे मजदूर भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है। और 3-4 महीने लगातार वो घरों में बैठे और अब जो है हमारा ये निवेदन लोगों से करना है कि वो जो पालन कोरोना के नियमों का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखें। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष बामन देव ठाकुर ने कहा कि पौधारोपण अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस किराए बढ़ोतरी और पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ तालगहर से लेकर कस्यान गांव तक 2 किलोमीटर पैदल चलकर रोष रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बामन देव ठाकुर, मंडी जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया, जोगिंदर नगर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जीवन ठाकुर, रंजन शर्मा, केहर सिंह ठाकुर, भूप सिंह धरवाल, चंद्रमणि ठाकुर, सेवा दल अध्यक्ष राम सिंह ठाकुर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेशमा ठाकुर, तारा कुमारी, निर्जला ठाकुर, पंचायत प्रधान रेखा देवी, निर्मला उर्ला, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, टेक सिंह, हितेंद्र चंदेल और रामधन सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। जिला में लगभग 150 पौधों का पौधरोपण किया गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कमेटी हर चुनाव क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम करने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में हमने भी यहाँ पर द्रंग कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगभग 150 देवदार और बान के पौधों का वृक्षारोपण आज किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर कौल सिंह जी का, जो विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल हुए, अपना कीमती समय दे करके हम लोगों के बीच में आए, क्योंकि ठाकुर साहब का शुरू से ही पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा योगदान रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने
यहाँ पे भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे साथ यहाँ स्थानीय पंचायत के प्रधान, युवा मंडल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी ने ध्यान रखा, सभी ने बहुत यहाँ पे सहयोग इस कार्यक्रम के लिए दिया और इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया।